क्या आपने कभी हवा में घर देखा है? अगर नहीं देखा है तो आइए पटना आपको ले चलते हैं। यहाँ आजकल एक घर लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। मकान जमीन से 3 फुट ऊपर हो चुका है, वो भी बिना नींव के। देखिए, हवा में मकान, जमीन से कई इंच ऊपर पूरा का पूरा मकान। तस्वीरें ध्यान से देखिए, नींव गायब है। मकान के नीचे खाली जगह साफ नजर आ रही है, फर्श गायब है और मकान सही सलामत। तस्वीरें पटना की हैं, जहां हवा में लटका है ये मकान। मकान भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 2 मंजिला है। तस्वीरें देखने के बाद ये बताने की जरूरत नहीं कि मकान हवा में कैसे है, बिना फर्श के कैसे सही सलामत खड़ा है मकान। दर्जनों जैक के सहारे इस मकान को जमीन से कई इंच ऊपर उठाया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर मकान को जैक के सहारे ऊपर उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मकान को हवा में खड़ा करना पड़ा। अब तक आपने कई जुगाड़ टेक्नोलॉजी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा घर दिखा रहे हैं जो जमीन की सतह से करीब 3 फुट ऊंचा है। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस घर को 100 से ज्यादा जैक लगा के 3 फुट ऊंचा किया गया है। पटना के पटेल नगर में यह घर राम मोहन झा जी का है। बारिश की मौसम में होने वाले परेशानी से बचने के लिए राम मोहन झा जी ने यह अनूठा तरीका अपनाया है। इसमें करीब 20 लोगों की टीम काम कर रही है 1 महीने से, और अभी तक इसकी कुल लागत करीब 2 लाख रुपया आई है। पटना का ये घर राम मोहन झा का है, जिसे उन्होंने 1962 में बनवाया था। उस वक्त सामने सड़क नहीं थी, बाद में सड़क बनी और हर साल घर से सड़क ऊंची होती गई। आलम यह है कि साल दर साल घर इतना नीचे हो गया कि सड़क कई फीट ऊपर नजर आने लगी। लिहाजा बारिश के मौसम में पानी घर में घुसने लगा, घर से निकलने वाला गंदा पानी घर में जमने लगा। आलम यह हो गया कि घर में रहना ही नामुमकिन हो गया। घर के सदस्यों की तबीयत भी खराब होने लगी। थक हार कर घर के मालिक ने घर को ही ऊंचा करने का फैसला किया। वो जब पेपर में देखा तो बड़ी हिम्मत बनी और आशा की एक किरण मिली कि हो सकता है हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा भाई भी आया हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ, हमारे हॉस्पिटल के बगल में एक मकान हुआ है, तो मैं पता करवाया और उसी के माध्यम से ये छोटी सी कंपनी है भागलपुर की, उसको खबर दिलवाए, वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैंने हिम्मत की और इस हिम्मत में हमारी पत्नी ने हमको बहुत मदद किया। राम मोहन झा ने टीवी शो और एक्सपर्ट की मदद से घर को जैक के सहारे ऊंचा करने का रास्ता निकाला और एक्सपर्ट कारीगरों को बुलवाया गया। करीब 20 कारीगरों की 1 महीने की मेहनत के बाद पूरा मकान अभी तक 3 फीट ऊंचा कर लिया गया है। इस काम में अभी तक करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसमें अभी तक 100 से ज्यादा जैक लगाए जा चुके हैं। हालांकि इस काम में रिस्क भी बहुत था, कभी भी हादसा हो सकता था, लेकिन मकान मालिक ने रिस्क की चिंता नहीं की। ये तो अभी हमें लग रहा है कि भगवान ने कहीं मेरे दुखों का समाधान किया है और इस तरह से मेरे घर को उठाया जा रहा है। ये टेक्निक आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस तरह का उठाने का काम किया। बहरहाल मकान को ऊंचा करने का काम जारी है। इसके साथ ही पटना और आसपास के इलाकों में लोग इस मकान को देखने आ रहे हैं। देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे भी मकान की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। पटना में सैकड़ों घर ऐसे हैं जो राम मोहन झा के घर की तरह सड़क के काफी नीचे हो चुके हैं। उनके लिए भी इस मुसीबत से निजात पाने का अच्छा उपाय मिल गया है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।